हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके हम बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस पहले पार्ट में तो फिलहाल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें हम लोग रिमेनिंग जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन किंगडम प्रोटिस्टा। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट को बहुत ही डिफ़िकल्ट है कैरेक्टराइज़ करना, उसको रिकॉग्नाइज़ करना, क्योंकि इस किंगडम में बहुत से डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे। डाइवर्सिटी किसके सेंस में कि कुछ इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी फॉर्म वेरी कर रही है, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, उनका अलग अलग न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन भी उनका करने का मेथड भी अलग अलग है। तो इसमें बहुत ही कैसे हेट्रोजीनस टेक्सॉन है, बहुत ही इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मींस यूनिसेलुलर मींस दे आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन विद अ डिफाइंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। मींस सिंगल सेल्ड हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ में क्या, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। बींग पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक, अब ये दो वर्ड हैं इसको याद रखिएगा, पॉलीफाइलेटिक है। देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैसे हेट्रोजीनियस टेक्सॉन है, बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसमें। तो जो रिसर्चर हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं इनके डीएनए और आरएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट उनको मिल रहा है वो हम कह सकते हैं कि एक इनकनक्लूसिव है, अधूरा है, रिज़ल्ट उनको मिल नहीं पा रहा है। तो अभी हमें पता नहीं है पूरी तरीके से कि ये जो प्रोटिस्ट हैं ये किसके प्रिकर्सर्स हैं, किससे ओरिजिनेट हुए हैं, प्लांट्स से हुए हैं, एनिमल्स से हुए हैं या फंजाई से हुए हैं, किससे ओरिजिनेट हुए आखिरकार। तो बायोलॉजिस्ट ने इस किंगडम प्रोटिस्टा को क्या कहा कि जो प्रोटिस्ट हैं वो कैसे पॉलीफाइलेटिक हैं। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है मींस कि ये कोई भी कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते हैं, मींस कि ये किसी भी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए हैं, वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। और साथ साथ में क्या है? और कुछ कहते हैं कि पैराफाइलेटिक भी है, मींस कि ये एक कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में वो कुछ कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन सारे जो इस ग्रुप में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब उस एंसेस्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक, सब उसके डिसेंडेंट नहीं है। तो ये पॉलीफाइलेटिक भी है और पैराफाइलेटिक भी है। अब इस प्रोटिस्ट में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें थ्री कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, एक एल्गी लाइक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, कैसे हैं वो, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई लाइक होलोजोइक और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड पढ़ेंगे हम लोग आगे, और एक एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफ्स। तो ये थ्री कैटेगरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्री कैटेगरीज इसमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक, मीन्स ये मरीन भी हो सकते हैं या फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। सब इनहैबिट डैम सॉइल, लेकिन कुछ कहाँ पे पाए जाएंगे, डैम सॉइल, जो वेट सॉइल होती है, जो नम मिट्टी होती है वहाँ पे पाए जाएंगे। कुछ कहाँ पाए जाएंगे, तो डिकेइंग बार्क ऑफ रॉटिंग ट्रीज, जो ट्रीज है उसके जो हम कह सकते हैं कि जो छाल होती है उसकी जो बार्क होती है जो डिके करने लगती है, जो सड़ने लगती है, वहाँ पे पाए जाएंगे। एंड अदर इनहैबिट बॉडी फ्लूइड्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, और कुछ एज अ पैरासाइट भी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाएंगे। तो कैसे होंगे, मेनली ये मोस्ट बात करें तो एक्वेटिक होते हैं। मेजॉरिटी आर सोलिटरी, कुछ मेजॉरिटी की बात करें तो सोलिटरी मीन्स अलोन, अकेले पाए जाएंगे। बट सम कॉलोनियल, कुछ कॉलोनीज में होंगे, और कॉलोनीज में होंगे तो कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लियेट मासेस बनाएंगे। मल्टी न्यूक्लियेट मीन्स हैविंग मोर देन टू न्यूक्लियाई के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट आर जनरली माइक्रोस्कोपिक, जनरली कैसे हैं ये, माइक्रोस्कोपिक हैं, वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज। बट मल्टी न्यूक्लियेट मासेज आर ऑफन लार्ज, लेकिन ये इतने लार्ज इनफ होते हैं
क्या मल्टी न्यूक्लियर मासेस। लेकिन हमें जो मोस्ट है वो याद रखना, जनरल क्या है, जनरल एक्वेटिक है, सोलिटरी है और यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। सम प्रोटिस्ट आर नॉन मोटाइल, कुछ कैसे हैं नॉन मोटाइल है, मीन्स कि उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है फॉर लोकोमोशन के लिए, लेकिन कुछ में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो क्या नाम है उनका, सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया, ये थ्री पाए जा सकते हैं, सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। अब फ्लैजिला और सीलिया कैसे मल्टीफिब्रल है, मीन्स कि ये नंबर ऑफ फिब्रल से बने हुए हैं। अगर हम फिब्रल्स का स्ट्रक्चर देखें तो 9+2 पैटर्न में है, 9+2 पैटर्न के। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये फ्लैजिला है, अगर हम इसका TS लें तो हमने क्या क्या है कि 2 सेंट्रल फिब्रल्स ईच फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ये एक प्रोटीन है, इससे बने हैं ये 2 सेंट्रल फिब्रल्स, यानी कि सेंटर में कितने हैं, ये 2 सेंट्रल फिब्रल्स हैं। एंड 9 ट्रिपलेट फिब्रल्स अरेंज इन पेरीफेरल सर्किल, और 9 कैसे पेरीफेरी पे हैं, यानी कि 9 ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी कि ये हो गए तो ऐसे करके यहाँ पे होंगे 9, तो ऐसे यहाँ पे 9 ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी ये क्या है, इसका TS है फ्लैजिला का, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। अब हम मैंने कहा कि इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, न्यूट्रिशन में भी बहुत डाइवर्स रेंज शो करते हैं ये। कुछ कैसे ऑटोट्रॉफ्स हैं, मींस एन ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग द लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से भी। कुछ कैसे होलोजोइक हैं, होलोजोइक कैसा है, ये इट इज़ अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इंजेस्ट करेंगे। अब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मे बी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। एंड सम आर सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक मीन्स डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर फिट करेंगे, और पैरासिटिक किसी एज अ पैरासाइट, उस किसी होस्ट में एज अ पैरासाइट में रहेंगे। ठीक, मैनी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट पोजेसेस वन और मोर मेम्ब्रेन बाउंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल्स। अब इनमें क्या है, जो फ्रेश वाटर की बात करें हम लोग, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में क्या पाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल्स पाए जाएंगे, और वो कैसे होंगे, वन या मोर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल्स क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल्स कैसे है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है, मीन्स कि ऑस्मो रेगुलेशन इज वॉट, इट्स मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर इनसाइड द बॉडी, बॉडी में एक इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अब चूंकि कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो अब ये कैसे फ्रेश वाटर कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक नाम सुना होगा, हाइपोटोनिक है कि अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ बात करते हैं, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट की बात करें समझिए, ये यूग्लिना है, ये यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर है, ये पूरा का पूरा फ्रेश वाटर है, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये फ्रेश वाटर कैसा है, हाइपोटोनिक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाटर का कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा देन इनसाइड द सेल। अगर सेल के कंपैरिजन के तो सेल के अंदर कम वाटर है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग है वो कैसे सराउंडिंग, हाइपोटोनिक, यानी कि बाहर ज़्यादा वाटर है, तो वाटर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, फ्लो करेगा। अब बाहर का कैसे कंसंट्रेशन है, बाहर का हायर है और जो अंदर का सेल के इनसाइड का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि वाटर यहाँ से कहाँ मूव करेगा, इस सेल के अंदर मूव करेगा। तो अगर अब तो ये तो फ्रेश वाटर में रहता ही है, तो जब क्या होगा, बीइंग हाइपोटोनिक, ये जो वाटर है कॉन्स्टेंटली लगातार ये कहाँ पे मूव करेगा, ये सेल के इनसाइड, सेल के अंदर फ्लो करता रहेगा लगातार। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो जितने भी जो एक्सेस वाटर हो जाएगी बॉडी में, ठीक, हमें अंदर का इंटरनल मूवमेंट कैसे करना है, मेंटेन रखना है, मींस सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन हमें मेंटेन रखनी है, लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस बिगड़ रहा है, तो अब क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स क्या करेंगे, जितने भी जो एक्सेस वाटर है, जितने बॉडी को नहीं चाहिए वो रिटेन कर देगा, तो जितने भी जो एक्सेस वाटर है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल में आके कलेक्ट हो जाएंगे
और ये जो वर्क्यूल क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, तो ये जितने भी जो एक्स्ट्रा वाटर है ये अपने बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देगा, यानी कि अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है, मेंटेन है. अब तो क्या करता है ये, रिमूव पीरियोडिकली रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर साइटोप्लाज्म ताकि इंटरनल का इन्वायरमेंट मेंटेन रहे. एंडोसिम्बायोसिस इज कॉमन अमंगस्ट प्रोटिस्ट. अब एंडोसिम्बायोसिस देखने को मिलेगा. एंडोसिम्बायोसिस मीन्स, देखिए एंडो मीन्स इनसाइड एंड सिम्बायोसिस मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशन. यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि जिसमें वन ऑर्गेनिज्म, क्या अगर हम बात करें तो उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फिजिकल एसोसिएशन में, फिजिकली उससे उसके पास रह रहा है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन कह रहे हैं. एंडो मीन्स यानी कि इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रह रहा है, यानी कि एंडोसिम्बायोसिस देखने को मिलेगा. ये सर्टेन प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन, फिजन से एसेक्सुअली करेंगे, या फिर बडिंग और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, बट मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली से ही ये वो करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन है. तो ये सब हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ठीक, अब हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन के बारे में. तो क्लासिफिकेशन ने बताया था कि कैसे हैं ये, एल्गी लाइक हो सकते हैं, एल्गी लाइक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फंजाई लाइक एंड एनिमल लाइक. तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन, एल्गी लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक एंड एनिमल लाइक. तो इस पार्ट में हम लोग एल्गी लाइक प्रोटिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फंजाई और एनिमल के बारे में बात करेंगे. एल्गी लाइक प्रोटिस्ट फर्दर डिवाइडेड है, फर्दर क्लासिफाइड है फाइलम क्राइसोफाइटा, फाइलम डेनोफ्लैजेलेटा एंड फाइलम यूग्लेनोइडा. तो आज हम डिस्कस करते हैं द एल्गी लाइक प्रोटिस्ट. ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे बियर अ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि सबको पता है दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. जब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मींस दैट मींस दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे कैन मेक दे ओन फूड यूजिंग द लाइट. ये कैसे, प्लैंकटॉनिक है, मींस दैट मींस इट अकर एट द वाटर सरफेस के, वाटर सरफेस के पे पाए जाएंगे. तो कैसे होंगे ये, फोटोसिंथेटिक हो गए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए और प्लैंकटॉनिक्स हो गए. अब बात करते हैं फाइलम क्राइसोफाइटा के. दे आर फाइलम क्राइसोफाइटा इज कॉमनली नोन एज डाई एटम्स. क्या कहेंगे उनको, डाई एटम्स. दे लैक फ्लैजिला. हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कुछ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो जो फाइलम क्राइसोफाइटा इसमें क्या फ्लैजिला नहीं है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है. दे पोजिसेज अ रिजिड एंड ग्लासी सेल वॉल. अब इनका सेल वॉल देखेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका, इसका सेल वॉल कैसे है, ग्लासी है, बिल्कुल रिजिड है लेकिन ग्लासी अपीयरेंस है. अब इनमें क्या है, टू ओवरलैप्स. अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये वन हो गया और ये टू हाफ्स हो गए. ठीक, ये जो टू हाफ्स हैं ये देखिए, ये टू हाफ्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं सेंट्रल नोड से, रेनफोर्स बाय द सिलिका, सिलिका से सपोर्ट है इनमें, ये दो हाफ से जुड़े हैं सिलिका से जुड़े हुए हैं. क्रोमैटोफोर्स कंटेन येलो और ब्राउन पिगमेंट बिसाइड्स क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल के अलावा भी इनमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है, जो कि क्रोमैटोफोर्स कौन से कलर देगा, येलो और ब्राउन पिगमेंट देगा. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन और बाय गमीट्स प्रोड्यूस बाय द गैमेटिक मियोसिस. एग्जाम्पल पेनिलेरिया, ये पेनिलेरिया यही है. अब बात करते हैं फाइलम डेनोफ्लैजेलेटा की, बात करते हैं मरीन फाइटोप्लैंकटन है. कैसे हैं ये, मरीन है, यानी कि ये देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाइटोप्लैंकटन की, बात कर लेते हैं. देखिए प्लैंकटन तो हमने पढ़ा कि कहाँ पे होंगे, वाटर सरफेस पे पाए जाएंगे. जो फाइटोप्लैंकटन होंगे उसे माइक्रो एल्गी भी कहते हैं. ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लैंकटॉन्स होते हैं. भाई एल्गी लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ रहे हैं और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑटोट्रॉफिक प्लैंकटॉन्स हैं ये. ठीक, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस मींस ये सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट पाई जाएगी, यानी कि सनलाइट कहाँ पे की, वाटर सरफेस की अपर लेयर पे सनलाइट पाई जाएगी ना, वहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ये ग्रो करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे. लेकिन जो कहाँ पे होंगे, थोड़े से नीचे होंगे, बिलो द सरफेस होंगे, तो वहाँ पे लाइट तो पहुँच नहीं रही है, तो ये कीमोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि ये जो जितने भी CO2 को यूज़ करके अपना फूड बनाएंगे.
अब फाइलम क्राइसोफाइटा में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं था, ऑर्गेनलीज नहीं थे, उसमें फ्लैजिला नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, पोजिसिस टू फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला है फॉर अ मूविंग अबाउट बाय स्पिनिंग मूवमेंट। स्पिनिंग मूवमेंट को हम वीपिंग वर्लिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो दो फ्लैजिला हैं, ये दो फ्लैजिला क्या करेंगे, अपने राइट एंगल पे बीट करेंगे, मतलब राइट एंगल्स पे। तो जब ये मूव करेंगे तो जो भी फ्लैजिला का जो मूवमेंट होगा, तो ये टाइप का एक फोर्स प्रोपल्शन क्रिएट करते हैं, एक फोर्स होता है जो कि उसको आगे की तरफ पुश करेगा, ढकेलेगा उसको आगे की तरफ, और जिसकी वजह से ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, स्पिनिंग मूवमेंट। सो दे पोजिसेस टू फ्लैजिला। थिक एंड रिजिड सेल वॉल फॉर्म्ड द सेल्युलोज प्लेट्स। उसमें क्या बात, उसमें भी सेल्युलोज से बना था, ये भी सेल्युलोज प्लेट्स से बने हुए हैं। अपीयर ग्रीन येलो ब्राउन रेड और ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन देयर क्लोरोफिल। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन और बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स एंड सिस्ट, एंड सेक्सुअली बाय गमीट्स फॉर्म बाय गमेटिक मियोसिस। ये क्या नॉक्टुलिका, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिक व्यू है। थर्ड है फाइलम यूग्लिनोइडा। अब यूग्लिनोइडा, इसमें यूग्लिना है तब इसका नाम यूग्लिनोइडा है। मेजॉरिटी ऑफ दीज अकर स्टैग्नेट फ्रेश वाटर बॉडीज, कहाँ पर, जहाँ पर जो वाटर फ्लो होता है कम होता है, वहाँ पर स्टैग्नेट फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाएंगे। एंड दे पोजेस वन और टू फ्लैजिला फॉर एक्टिव स्विमिंग। ये क्या करेंगे, एक्टिवली स्विम करने के लिए, स्विम करने, अभी हमें पढ़ाते, अब हमने ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये क्या सुनेंगे, ये पैसिवली ड्रिफ्ट करते हैं, यानी कि वाटर करंट के साथ ही पैसिवली, नहीं ये नहीं सॉरी, जो क्राइसोफाइटा होते हैं क्योंकि उसमें फ्लैजिला तो होते नहीं है, तो ये जो होते हैं ये पैसिवली ड्रिफ्ट करते हैं, वाटर करेंट्स जहाँ जाएगा वहाँ पे ये उनके साथ हो लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, क्योंकि डिनोफ्लैजिलेटा में फ्लैजिला है, यानी कि ये भी क्या करेंगे, बताया प्रोपोर्शन क्रिएट करेंगे और आगे मूवमेंट में हेल्प मिलेगा। जो यूग्लिनोइडा है इसमें क्या करेंगे, एक्टिवली एक्टिव स्विमिंग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ, थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। सेल वॉल पोजेसेस अ थिन एंड फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच कवरिंग कॉल्ड पेलिकल। अब सेल वॉल क्या सिक्रेट करेगा, थिन फ्लेक्सिबल, अगर हम इसका आउटलाइन देखें, ये क्या है, यहाँ पे ये पूरे इसके चारों तरफ सिक्रेट करे, सेल वॉल क्या सिक्रेट कर रहा है, पेलिकल सिक्रेट कर रहा है। साइटोस्टोम प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड लीड्स इनटू फ्लास्क शेप रिजर्वॉयर थ्रू अ साइटोफेरिंग्स। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो साइटोस्टोम है, ये साइटोस्टोम क्या है, ये एक एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, तो एंटीरियर एंड पे क्या होगी, एक ओपनिंग होगी साइटोस्टोम। अब ये साइटोस्टोम अंदर अगर देखेंगे तो ये साइटोफेरिंग्स हो गया, ये एक फ्लाग शेप्ड साइटोफेरिंग, ये फ्लाग शेप्ड ये रिजर्वॉयर से होते होते साइटोफेरिंग्स में ओपन होगा। अब ये रिजर्वॉयर में क्या है, इस रिजर्वॉयर में फ्लैजिला है, क्या है, फ्लैजिला है, ये इसी रिजर्वॉयर से देखिए फ्लैजिला ओरिजिनेट कर रहा है। और क्या है, आई स्पॉट है, रेड पिगमेंटेड आई स्पॉट। अब ये आई स्पॉट क्या है, इसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि लाइट रिसेप्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी एक ऑप्टिमल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो सेल को, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी भी ऑप्टिमल लाइट कंडीशन मिलती है उसको ये पता करते हैं कि कहीं ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी तो नहीं है। ये एक लाइट फोटो रिसेप्टर है, ये जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल, इसी में क्या है, साइटोफेरिंग्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल है। हम बता चुके हैं फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइप वॉक्यूल का, फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं ये। न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक है, मीन्स मिक्सचर है, दो न्यूट्रिशन का मिक्सचर है। अगर ये सनलाइट में होंगे तो होलोफाइटिक होंगे, और अगर नाइट में होंगे तो ये होलोजोइक और सेप्रोजोइक की तरह बिहेव करेंगे, उससे फूड लेंगे। रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगी। ये सेल है, ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, दोनों सेल नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन हो गया। इन सिस्टमेंट टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन इज वाइड स्प्रेड। अब ये क्या करते हैं, जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये अपने आप क्या सिक्रिएट करते हैं, सिस्ट होते हैं, सिस्ट सिक्रिएट करते हैं, हार्ड कवरिंग होती है, और जब ये फेवरेबल कंडीशन वापस होते हैं तो वापस ये सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, और ये नए ऑर्गेन और ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिर से वो कर लेंगे। एग्जाम्पल यूग्लिना,
यूक्लिनोइडा से याद रखिएगा, इसमें एग्जाम्पल यूक्लिना है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग ने पढ़ लिया उसके जनरल प्रोटिस्ट के, जनरल प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, किंगडम प्रोटिस्टा के हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग ने एल्गी लाइक पढ़ लिया है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बात करेंगे, ठीक, और एक एनिमल लाइक की बात करेंगे।